हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है एक पानी का गिलास। ये है एक पानी का गिलास और अब देखिए, इस पानी के गिलास में मैं ठंडा पानी डालूंगा तो क्या होता है। देखिए, मैं पानी इस गिलास के अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए, ये गिलास जो है बाहर से गीला हो गया है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इस गिलास के अंदर पानी डाला है और ये गिलास बाहर से गीला हो गया है? तो क्या जो ये पानी है जो गिलास के अंदर है वो रिस रिस के इस गिलास के बाहर आ गया है? ये उपाना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि स्टील से निकल के पानी बाहर आ जाए। तो फिर ये गिलास बाहर से क्यों गीला हो गया है? चलिए आज इस वीडियो में मैं यही आपको समझाता हूँ। तो आप इमेजिन करिए कि ये हमारा जो है पानी का ग्लास है। इसको मैंने फ्लोर के ऊपर रख दिया। अब अगर ये ओपनली रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ होगी एटमॉस्फेरिक एयर, और एयर में हम सबको पता ही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए, अब इस ग्लास में मैं भर देता हूँ ठंडा पानी, एकदम ठंडा। और मान लेते हैं कि जो पानी मैंने इसमें भरा है उसका टेम्परेचर है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि काफ़ी ठंडा है। और ये जो बाहर का रूम टेम्परेचर है वो है लगभग 25 डिग्री सी। तो जो इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मौजूद थी, वो जब इस ठंडे ग्लास के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो वो कंडेंस होने लगेंगी। यानी कि जो उसके आसपास का रीजन है, वाटर जो ग्लास के आसपास का रीजन है, वहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगी। और फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगी तो उसी ग्लास के ऊपर सेटल हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको जो है ग्लास जो है बाहर से गीला लगने लगेगा, क्योंकि वो सारी वेपर्स जो है उस पर कंडेंस हो गई हैं और वो लिक्विड फॉर्म में उसके ऊपर बैठ गई हैं। दोस्तों, ये जो फिनोमेना है पानी का कंडेंस हो जाने का सरफेस पर, ये सिर्फ पानी के ग्लास तक ही लिमिटेड नहीं है। आप देखिए, जो सुबह सुबह आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियां, उन पर भी आप देखेंगे छोटे छोटे पानी के बूंद्स, पानी के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। वो भी इसी वजह से उस पर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। आप देखिए, ठंड के मौसम में देखिए, आपकी घरों की रेलिंग जो है वो भी है ना गीली हो जाती है। आपकी गाड़ी की सीट आप सुबह सुबह उठ के देखेंगे गीली होती है। उन सब के पीछे ही यही रीज़न है कि जो एटमॉस्फेयर में जो है ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और जब ये सरफेस ठंड में एकदम ठंडी हो जाती है तो ये जो एटमॉस्फेयर में पानी का जो मॉइस्चर होता है वो आकर इन पर कंडेंस हो जाता है और ड्रॉप्स बना लेता है। इस तरीके से पानी को कंडेंस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी सरफेस पे आके बैठे, तभी जा करके पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ड्रॉप बना पाएंगी और वो आकर उस सरफेस पर बैठ जाएंगी और उस सरफेस को गीला कर देंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट में लिख के बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।